हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पॉकेट मी ऐप का। पॉकेट मी ऐप एक नया इंस्टेंट लोन ऐप है और इसका ये कहना है कि यहाँ से आप लोन ले सकते हैं और आपको कुछ ही मिनटों में लोन मिल जाएगा। इनका कहना है कि आपको मिनिमम अमाउंट 3,000 का लोन मिल सकता है और मैक्सिमम अमाउंट में आपको 50,000 तक का लोन मिल सकता है। और लोन रिपेमेंट पीरियड में ये बता रहे हैं 90 दिन से 180 दिन का टाइम आपको दे देंगे। और प्रोसेसिंग फीस में ये कह रहे हैं कि 2% फीस लगेगी यहाँ पे और APR 12 से 36%। तो ऐसा इनका कहना है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में काफ़ी कुछ इन लोगों ने दे रखा है, जैसे कि ID, एड्रेस, नंबर। अब यहाँ पे लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, लोन लेने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ परमिशन देनी पड़ेगी, फिर आपको अपने मोबाइल नंबर और OTP से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। KYC डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करें। अगर लोन अप्रूव हो जाता है तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सब इनका कहना है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे हम लोन लें कि नहीं, ये ऐप सही है कि नहीं। अगर देखा जाए इसकी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि इस पर पॉजिटिव रिव्यूज़ भी ज़्यादा नहीं है और जो रिव्यूज़ हैं बाकी वो निगेटिव रिव्यूज़ हैं, तो इस वजह से इसकी रेटिंग अच्छी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस NBFC को ये बताते हैं कि RBI रजिस्टर्ड है, PHF लीजिंग लिमिटेड करके, तो इसको मैंने RBI रजिस्ट्रेशन लिस्ट में सर्च किया तो वो नहीं पाई गई। इसका मतलब ये RBI रजिस्टर्ड नहीं है जो भी NBFC से ये लोन आपको दिलवा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो लोन हमें मिल जाएगा कि नहीं? तो दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया उनका ये एक्सपीरियंस रहा कि उनको लोन नहीं मिला। ज़्यादातर लोगों को लोन नहीं मिला और उनका डेटा कलेक्ट कर लिया गया, यही लोगों ने बताया है। और कुछ लोगों ने ऐसे रिव्यू करें कि अगर उनको मिल जाता तब वो पॉजिटिव रिव्यू करेंगे, तो ये उनका कहना था 5-स्टार रिव्यू देंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोन लेते हैं तो बहुत कम चांस है कि आपको लोन मिले, और अगर आपको लोन मिलेगा तो 7 दिन वाला लोन मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक यूज़र ने बताया कि उसको 3,000 का लोन दिखाया गया, उसके बाद 1,800 रुपये उसके अकाउंट में आए और फिर उनसे 3,000 रुपये मांगा गया। तो दोस्तों, कितना हाई इंटरेस्ट रेट है आप समझ सकते हैं। तो जब भी आपको 7 दिन वाला लोन ये देंगे, अगर मिल गया तो हाई इंटरेस्ट लगेगा और ज़्यादा ज़्यादा पैसा आपसे वसूला जाएगा। तो दोस्तों, ये सही ऐप नहीं है लोन देने के लिए, और यहाँ पे आपका डेटा भी जा सकता है और आपसे ज़्यादा पैसे भी वसूले जा सकते हैं। तो ये ऐप सही नहीं है, रिस्की और सस्पिशियस ऐप है। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे किस तरीके का ऐप है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।